1 2 3 4 क्या चबर लग रहा है भाई। बस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काम पूरा चल रहा है अभी। तो अभी पे यहाँ पे जो मैकेनिक आए हुए हैं, मैंने जो है उनसे जो है पीछे का इंजन जब देखा तो उन्होंने जो है देखने से जो है मना कर दिया, मतलब कि कैमरे में रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक बस, और ये 100% जो है इलेक्ट्रिक बस है। तो आज हम इसका जो है रिव्यू देने वाले हैं। ये है दोस्तों 100% इलेक्ट्रिक बस, यहाँ पे जो है ओपनिंग हो गया है नैनी में टोल टैक्स के पास। और इसकी ओपनिंग जो है 21 दिसंबर को यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो जिस नाम से यहाँ पे खुला हुआ है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन। और ये बस अभी 2-3 दिन हुआ इसको यहाँ पे आए, और अभी जो है इसका पूरा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जो भी यहाँ पे पार्ट लग रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी किसी बस में जो है नंबर प्लेट भी नहीं लगा है। तो अभी जो है सभी का काम चल रहा है सभी बस में। हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे बस टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ पे जो है टोटल अभी 26 बस, यहाँ पे जो है दो बस अभी और आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बनाया गया, मतलब बस को यहाँ पे खड़ा करके बस को चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे जो है चद्दर रखी हुई है, मतलब यहाँ पे छावनी भी लग जाएगी बहुत जल्द। और ये बस देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैसा देखने को मिल सकता है, कि जो कि एकदम लेटेस्ट बस है, और इसमें जो है कैमरे भी आपको आगे मिल जाएगा। और ये फ्रंट साइड देख लेते हैं, इसमें आगे कैमरा भी लगा हुआ है। इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, पूरा ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो सभी का जो है ड्राइविंग टेस्ट, जो लोग इसमें बस कंडक्टर या फिर ड्राइविंग का यहाँ पे जो भी जॉब के लिए अप्लाई किए थे, तो उनको जो है यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है कि वो लोग जो है इस बस को सही से ट्रैवल कर पा रहे हैं कि नहीं, चला पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे जो है पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है कि लोग कैसे ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं इस बस को। बस का कलर देख सकते हैं एकदम कितना प्यारा लग रहा है। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस बस की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, मतलब इसके अंदर का सीन और इसके जो है चार्जिंग बैटरी कहाँ पे दिया हुआ, वो चीज़ सारा आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है छावनी लगी थी, तो पावे तो लग चुके हैं, लेकिन इसमें जो अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है कंस्ट्रक्शन काम अभी चालू है। तो बहुत जल्दी ये जो है 5 से 6 दिन में शायद ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने में आपको अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है और भी यहाँ पे पूरा एकदम अच्छा लगेगा देखने में। देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये नैनी में टोल टैक्स के जस्ट बगल एकदम जो है ये नया बस स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी जो है ख़त्म ही होने वाला है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो है काम बाकी है, और उसके बाद जो है पूरा ये कम्प्लीट हो जाएगा। और इसका जो है उद्घाटन करने के लिए जो है योगी जी भी आ सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। चलिए दोस्तों, आप इस बस के अंदर देख लेते हैं कि हमें इस बस के अंदर कैसे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, PMI यहाँ पे लिखा हुआ है, और फुल्ली जो है 100% इलेक्ट्रिक बस है, और ये बस जो है हरियाणा कंपनी से बन के आ रही है, और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तरफ से इस बस को जो है लॉन्च किया जा रहा है। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर बटन दिए हुए हैं, डिस्प्ले देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इतने बटन दिए हो, तो पूरी जो है ऑटोमेटिक बस है, और इसमें आपको कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और तीसरा कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसके बगल ब्लू लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। और इस बस के अंदर जो है टोटल 22 सीट मिलती है, और 2 सीट जो मिलती है दिव्यांग सीट इसमें दिया गया है विकलांग लोगों के लिए। और ये बस जो है पूरी ऑटोमेटिक है, जैसे कि पूरा बटन से इसका जो है गेट ओपन होता है। पीछे के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारा इसमें काम भी बाकी है इस बस में, तो पीछे मैं भी आपको दिल लेके चलूँगा कि बैटरी कैसे लगी हुई है। तो पीछे कैसे एक कैमरा आपको और मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो है फ़ैन मिल जाता है, जो अंदर की हवा है उसको बाहर निकालने के लिए। और जैसे कि AC लगी हुई है, और स्पीकर लगा हुआ है, इमरजेंसी अलर्ट बटन यहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं AC जैसे कि बस है, तो गर्मी में बहुत ही पैसेंजर को इसमें राहत मिलेगी जहाँ भी जाएंगे। और हैंडल इस तरह से आपको मिल जाती है, इसमें डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे ये बस जाएगी उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ड्राइवर के सीट के ऊपर आपको यहाँ पे एक फ़ैन मिल जाएगा, मतलब कि जो ड्राइवर यहाँ पे ड्राइव करेगा तो उसके ऊपर एक फ़ैन लगाया गया हुआ है। और यहाँ पे एक कैमरा और मिल जाता है, और टोटल इसमें जो है आपको 4 कैमरा अंदर मिल, एक यहाँ पर फ्रंट मिल जाता है, दूसरा जो है
जैसे ही पैसेंजर इंटर करेगा तो आपको वहाँ पे कैमरा मिल जाता है, इमरजेंसी बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको तीसरा कैमरा मिल जाता है, चौथा कैमरा आपको वहाँ मिल जाता है। तो इसमें टोटल जो है 4 कैमरे इसमें आपको अंदर साइड मिल जाता है और एक कैमरा पीछे दिया हुआ है। तो ये पीछे का कैमरा है, तो इसमें टोटल आपको जो है 4 नहीं बल्कि 5 कैमरे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो है LED भी देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ ये बस जाएंगे वहाँ पे उसका जो है नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इस बस में जो है चार्जिंग पॉइंट आप आपको यहाँ पे शायद देख सकता है, आई थिंक मेरे ख्याल से चार्जिंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, या फिर चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी मिलता है एक साइड में, एक तो यहाँ पे दिखता है और एक यहाँ पे दिखता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन्हीं तीनों में से जो है एक चार्जिंग पॉइंट हो सकता है। इस तो मैंने आपको दिखा दिया, अंदर से भी दिखा दिया, तो अब चलते हैं पीछे से, आपको दिखाते हैं कि पीछे से इसका इंजन कैसे देखने को आपको मिलता है। और आप यहाँ पे इसकी बैटरी देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन। इसका इंजन देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितने बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है सेल्स यानी बैटरी लगी हुई है, लियोन की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, क्या जबर लग रहा है भाई। बस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काम पूरा चल रहा है, अभी सभी बस का जो है रिपेयरिंग अच्छे से हो रहा है, मतलब चेक हो रहा है अभी। ऑल इंडिया चल रहा है, सबके कलर्स अलग अलग हैं। अच्छा, गवर्नमेंट वो किए होंगे, मतलब एक कलर का तो तुम्हारे योगी जी ने मंगवाया है। हाँ, योगी जी ने लगवा कलर, हाँ उनका तो लगवा कलर तो उनका है ही। और कितने मतलब कि सिटी में चल रहा है? 32 सिटी में चल रहा है स्टेट। अच्छा, ये इसकी बैटरी है, बहुत ही बड़ी बैटरी है इसमें। तो अभी पे यहाँ पे जो मैकेनिक आए हुए हैं, मैंने जो है उनसे जो है पीछे का इंजन जब देखा तो उन्होंने जो है देखने से जो है मना कर दिया, मतलब कि कैमरे में रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। तो मैंने उनसे जो है एक दो चीज़ें मैंने पूछे कि ये बस जो है कि कितने किलोमीटर चल सकती है, तो उन्होंने बताया कि 200 से 250 किलोमीटर ये बस जो है चल सकती है। और ये बस जो है जब चलते तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रिक बस है तो इसमें आवाज़ तो करना ही नहीं है। तो देख सकते हैं ऊपर AC लगी हुई है, यहाँ पे चलते हुए कैसे आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होने से हमें ये फ़ायदा है कि प्रदूषण नहीं होते हैं, जैसे कि डीजल पेट्रोल में बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं, हमारा देश गंदा हो जाता है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ही सेफ है। तो फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको देख करके इस वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखने को कैसा मिलता है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन पर कर लीजिए, तो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।